अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है बारात और हमारे दूल्हा रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से छोटे से सरवाला साहब भी जो हो गए हैं रेडी। तो अब हम स्टार्ट होने लगी है जी सेराबंदी, और उम्मीद है कि आपको हमारे जो हैं शादी के व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको हमारे शादी के व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें कि हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो जी माशाल्लाह से ईज़ा भी रेडी हो गई हैं अपनी ब्लैक कलर की मैक्सी पहन के, और उसकी दोस्त जो है वो भी बड़ी प्यारी लग रही है। ये ईज़ा की फ्रेंड है और जो कि बड़ा प्यारा फ़्रॉक पहन के आई थी, और ईमान ने भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा फ़्रॉक पहना था। तो जी सेराबंदी हो रही है, इस्लामिया वगैरह दूल्हा साहब इकट्ठे कर रहे हैं। तो आप चलते हैं जी बारात की तरफ। चलें जी माशाल्लाह, ये थी जी बारात का कुछ बैंड बाजा डांस और रास्ता रुकाई। तो अब माशाल्लाह से बारात हॉल में एंटर हो गई है और आप चलते हैं स्टेज की तरफ। तो ये थी जी माशाल्लाह बहुत प्यारी मार्की थी बारात की, और ये था स्टेज जो कि बहुत प्यारा था, बहुत सब ने जो था ना पसंद किया और बहुत हमने इंजॉय किया। उम्मीद है कि आपने भी हमारे व्लॉग को इंजॉय किया होगा। और जिस जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अब जी एंट्री होने लगी है दुल्हन की। तो ये है जी माशाल्लाह हमारी दुल्हन, और दुल्हन माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये आ रही थी जी अपनी मामा और पापा के साथ, और अब आ रहे हैं जी दूल्हा के पास, स्टेज पे आ रही हैं दुल्हन। ये हैं जी हमारे दूल्हा दुल्हन, और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, और अल्लाह ताला इनकी आगे भी ज़िंदगी प्यारी करे। तो अब जी खाना खा रहे हैं और वापस ही बारात की हो गई है। अब हम दुल्हन को लेके जा रहे हैं जी अपने घर, और घर जाके देखते हैं कि अब क्या क्या होता है घर में जाके। तो सबसे पहले तो जी घर में गए हैं, तो जी बाहर जो इन्होंने आतिशबाजी, लड़कों का जो शौक होता है, सब लोगों ने आतिशबाजी की, अनार और पटाखे, पता नहीं क्या क्या कुछ चलाया। तो जी आप देखें हमारे भी लोग को देख इंजॉय करें। तो जी सब ने फायरवर्क्स जो था बहुत इंजॉय कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा आवाज़ तो जो लड़कियां थी ना उनकी हूटिंग की थी, फायरवर्क्स से ज़्यादा आवाज़ जो थी ना। और जी माशाल्लाह से सारी जो बारात थी वो वापस घर आ गई है, और अब खड़ी है दुल्हन का वेलकम करने के लिए, और सारे अपने अपने फ़ोन से ना वीडियोस बना रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने शादी को, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो कुछ जैकेट्स पहन के खड़े हैं, और कुछ पता नहीं कैसे हाथों में हाथ बांध के खड़े हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और फैंसी जो कपड़े होते हैं आपको पता है, फिर उसमें तो लड़कियाँ बिल्कुल भी जर्सी जो है ना पहनना बिल्कुल बुरा समझती हैं। तो जी अब ये देखें जी हमारी दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, पहुंच गए हैं घर, और अब करते हैं जी इनकी एंट्री घर में। आज के व्लॉग में ज़्यादा ईज़ा का पार्ट नहीं बन सका क्योंकि ईज़ा ने बहुत तंग किया था हमें, और बस उलझन में रही थी, और ना ईज़ा की जो मैक्सी थी वो प्रॉपर तरीके से नज़र आई। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में इनके पूरे कपड़े दिखाऊंगी मैं आपके साथ, शेयर करूँगी इनके कैसे डिज़ाइन थे, बहुत स्पेशल कपड़े बनवाए थे हमने इसके। चाहतों के सपने तेरी, चाहतों
और ये थी जी लड़कियाँ जो कि बड़े प्यारे प्यारे गाने गा के दुल्हन का वेलकम कर रही थी। तो अब स्टार्ट होती हैं कुछ रस्में जो कि घर आके करते हैं। दुल्हन का मुंह तो मीठा हो गया है जो कि दूल्हा ने करवा दिया है। तो अब जो ईज़ा ने करवाया है जी चाचू का मुंह मीठा। तो ईज़ा के और चाचू के कपड़े पूरे पूरे मैचिंग थे। ईज़ा ने कहा था मैंने अपने चाचू के साथ मैचिंग करनी है। तो अब रस्ता रुकाई की रस्म शुरू होती है और सबको मिला है 5500 और लड़कियां जो थी काफ़ी खुश थी 5500 मिला था। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।